टेस्ट चैंपियनशिप की हार को भुलाकर भारतीय टीम अगले महीने से नए सफर का आगाज करने जा रही है। मतलब पूरे एक महीने के रेस्ट के बाद टीम इंडिया वेस्टइंडीज दौरे के लिए रवाना हो जाएगी, जहां भारतीय टीम 2 टेस्ट मैच, 3 वनडे और 5 T20 मैचों की सीरीज खेलेगी। लेकिन इस दौरान कहा जा रहा है कि कप्तान रोहित शर्मा को कुछ मैचों के लिए आराम दिया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि रोहित IPL और टेस्ट चैंपियनशिप के दौरान थके हुए लग रहे थे। ऐसे में चयनकर्ता चाहते हैं कि वो कुछ मैचों के लिए आराम करें, इसलिए उन्हें वेस्टइंडीज दौरे पर कुछ मैचों के लिए आराम दिया जा सकता है। रिपोर्ट में लिखा है कि चयनकर्ता इस मामले में रोहित से बात करेंगे और इसके बाद फैसला लेंगे। अगर टेस्ट में रोहित को आराम दिया जाता है तो हाल ही में टीम में वापसी करने वाले रहाणे को कप्तान नियुक्त किया जा सकता है। रहाणे पहले ही टीम इंडिया की कप्तानी कर चुके हैं। वो टीम के उपकप्तान थे लेकिन खराब फॉर्म के कारण बाहर कर दिए गए थे। अभी टेस्ट चैंपियनशिप में उन्होंने वापसी की और पहली पारी में 89 रन बनाकर टीम को संभाला था। वहीं दूसरी पारी में उनके बल्ले से 43 रन निकले थे। ऐसे में पूरी उम्मीद है कि रहाणे वेस्टइंडीज में टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी करते देखे जा सकते हैं। डेस्क रिपोर्ट, मुंबई महानगर।